हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी पास है डीवीडी या सीडी, तो डीवीडी का हमारा जो कई सारा डेटा होता है यानी वीडियो सॉन्ग होता है, उस वीडियो को हम कैसे अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने मेमोरी कार्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। दोस्तों इस वीडियो में यही बताऊँगी कि अपने डीवीडी का जो वीडियो होता है, कई सारा जो शादी का वीडियो होता है, उस वीडियो को अपने मेमोरी कार्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हमारा डीवीडी है वो नहीं कनेक्ट हुआ है, मैंने डीवीडी को नहीं लगाया हुआ है। तो अभी मैं आपको डीवीडी लगा के भी दिखाऊंगा कि डीवीडी अगर आपको लगाना नहीं आता है तो कैसे आप अपने लैपटॉप में डीवीडी लगा सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीवीडी का डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में। यहाँ पे दोस्तों आपको इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो अब आपको करना क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों आपके सामने डीवीडी इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया होगा, अगर नहीं तो डीवीडी हमने कनेक्ट की है वो यहाँ पे शो हो रही है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में जो है अपने मेमोरी कार्ड को भी कनेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारा मेमोरी कार्ड भी कनेक्ट है और अब मैं अपने डीवीडी जो हमारा फोल्डर है, हमने डीवीडी को लगाया हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ओपन मैं इसे करता हूँ, डीवीडी का डेटा मुझे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना है, मैं इसे ओपन करता हूँ। और ओपन कर लेने के बाद आपके डीवीडी में जितने भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मेरे इस फोल्डर में दो वीडियो हैं, तो मैं मुझे इस वीडियो को अपने मेमोरी कार्ड में भेजना है, तो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको माउस से लेफ्ट साइड क्लिक करके रखना है, कुछ इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद आपको माउस से राइट साइड क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, माउस से राइट साइड क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अपना जो मेमोरी कार्ड हमने कनेक्ट किया है, मैं इसे ओपन करता हूँ। मेमोरी कार्ड में आपका जितना भी डेटा होगा, जितना भी वीडियो होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेमोरी कार्ड में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे फोल्डर में वीडियो डालना है। तो मैं यहाँ पे माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ और राइट साइड क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाजू में एक फ़ोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ अपने मेमोरी कार्ड में। और न्यू फोल्डर बना लेने के बाद दोस्तों मैं इसका नाम जो है अपने हिसाब से रख सकता हूँ, आप भी रख लीजिए अपने हिसाब से, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। और रख देने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। नेम रख देने के बाद, फोल्डर को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। देख सकते हैं अभी जो हमारा डीवीडी का डेटा है वो हमारे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है। दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। दोस्तों हमारा जो डीवीडी का डेटा है वो हमारे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डीवीडी का डेटा है वो हमारे पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो चुका है। देख सकते हैं हमारा जो डीवीडी का वीडियो है वो हमारे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो गया है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कंप्यूटर की कोई भी फाइल या वीडियो को अपने डीवीडी में कैसे भेजा जाता है, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। गुड बाय।